हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम घर पे कैसे अपनी कमर को और जो पेट पे एक्सेस फैट है उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सिंपल तीन प्राणायाम हैं जो मैंने अपनी स्टडी से सिलेक्ट करके आपके लिए अभी मैं लेके आ रहा हूँ। सो मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी प्रॉपर टेक्निक ये है कि आप पहले सबसे पहले सिटिंग पोजिशन में बैठ जाएं। पोजिशन लेने के बाद आपको इनहेल करना है, प्रॉपर अपने लंग्स में हवा भरनी है। आप इसमें काउंटिंग काउंटिंग भी कर सकते हैं। इनहेल जब आप कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स तक आप इनहेल करें, उसके बाद आप एक्सहेल करें, एकदम से प्रेशर से एक्सहेल करें। ये इसकी प्रॉपर टेक्निक है। अब बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा कारगर है, कैलोरीज बर्न करने में बहुत इफेक्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है जिससे हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है, हमारी स्किन क्वालिटी भी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव होता है इससे, माइंड को हमारा काम करता है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी उसका लेवल बढ़ा देता है। ये इसके मेन बेनिफिट्स हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। इसकी जो टाइमिंग है आप 5 मिनट से लेके 10-15 मिनट अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस आप जा सकते हैं। हमारा प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। ये अभी तक जितने भी हमारे प्राणायाम सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मतलब प्राणायाम का राजा इसे कहा जा सकता है। इसकी जो प्रॉपर टेक्निक है, सिटिंग पोजिशन में बैठने के बाद आप एक्सहेल करेंगे, झटके से एक्सहेल करेंगे जिससे आपका स्टमक ऑटो मोड पे अंदर जाएगा। तो आपने इसको, इसकी अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ, इसको आप स्टार्टिंग में 2 मिनट 3 मिनट से ले जाके आप 15 मिनट तक 20 मिनट तक अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा कि मैंने बताया सबसे अच्छा ये प्राणायाम है। तो इसके दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहला तो ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा कारगर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारी जो लेडीज़ हैं जिनके अंदर जो मासिक धर्म यानी पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में ये बहुत हेल्पफुल है। मेंटल एबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को और डाइजेशन को हमारे इम्प्रूव करता है, हमारे जो स्किन टोन है, हमारे ग्लो को, फेस पे जो ग्लो होता है उसको बढ़ाता है, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, स्ट्रेस को रिलीफ करता है, ब्लड के अंदर जो ब्लॉकेज आती है मैक्सिमम आपने देखा होगा उस ब्लॉकेज को वो दूर करता है, स्टोन्स यानी पथरी, पथरी को ये होने ही नहीं देता। अगर पथरी है, अगर आप रूटीन में इसे करते हैं तो पथरी अपने आप ही निकल जाएगी। सिस्ट की बात करते हैं जो गांठें शरीर में बन जाती हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ऑटो मोड पर ही ये शरीर से बाहर हो जाती हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। सो इसे भी आप कंटिन्यू डेली करें। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। इसकी प्रॉपर टेक्निक ये है कि हम सिटिंग पोजीशन में बेसिकली पहले सांस को हम अंदर खींचेंगे और झटके से हम उस सांस को बाहर छोड़ेंगे और अपने स्टमक को हम जितना अंदर हो सकता उतना हम अंदर सिकोड़ेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इसके अंदर दो स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या है, बंद, इसे कहते हैं मूल बंद। मूल बंद यानी जो हमारा गुदा द्वार जिसे हम कहते हैं जहाँ से हमारा स्टूल आउट होता है उस पोर्शन को हम अंदर की तरफ खींचेंगे जब तक हमने पेट अंदर सिकोड़ा हुआ है। तो यही इसकी प्रॉपर टेक्निक है। इसको आप 4 बार से 5 बार से करते करते 11, 21, 31 आप इस तरह से इनकी आप प्रोसेस, इसमें बेसिकली टाइमिंग का इशू नहीं है, इसमें है आपका एक आपने किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो आप इसको मैक्सिमम 50 तक आप जा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे पहले जो हमारे जो एब्डोमिन है उनकी जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हर्निया को दूर करता है, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें जो कंप्लेंट्स हैं उनको इम्प्रूव कर देता है, माइंड में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पर्म काउंट ये बढ़ाता है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ ट्राई दिस एट होम।